दुख। संसार के लोग मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, लेकिन हमारे वृंदावन वाले कहते हैं ऐसा दुख दी जो ये मां, ऐसा दुख दी जो ये मां। कैसा दुख, बिन पद कंज छटा देखे, बिन पद देखे। मैं समझाता चलूं बीच बीच में, कह रहे हैं हे नाथ आपके और किशोरी जी के दर्शन किए बिना जिस दिन भी आप दोनों का दर्शन हमको ना होवे कोई सुहावे ना ही हो। रसिक कहते हैं जिस दिन बिहारी जी ना दिखाई दें, जिस दिन राधा वल्लभ जी का दर्शन ना हो, जिस दिन श्री राधा रमण लाल हमारे नेत्रों के सामने ना आवे, जिस दिन सदगुरु का दर्शन ना हो, उस दिन किसी को भी देखने में अच्छा ना लगे, ऐसा दुख हमको मिले। नाम रटे दृग ढारे आंसू, नाम रटे कुलाही हो, जिने आती अमुलाही हो, दिन छिने आती अकुलाही हो, दिन छिने आती अमुलाही हो। पूरे दिन कुलाहल हमारे अंदर चलती रहे, संसार के लोगों की बेचैनी क्या है, धन चाहिए संपत्ति चाहिए प्रॉपर्टी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम किस लिए विचलित रहे, हमारे श्यामा श्याम हमें मिले, वृंदावन हमें मिले, सदगुरु हमें मिले, श्री यमुना जी का दर्शन, ब्रजरानी का दर्शन, रजरानी का दर्शन, श्री राधा रानी का प्रत्यक्ष दर्शन जब तक ना मिले हमारा हमारा तन शांत ना बैठे। दिन छिन अति अकुलाही हो, अति अकुलाही ऐसो दुख दी जो ये मां, ऐसो दुख दी जो ये मां, ऐसो दुख दी जो ये मां, ऐसो दुख दी जो ये मां। आभूषण मिलवो न सुहावे, किशोरी जी ऐसी कृपा कर देना हमारा किसी से मिलने का मन ना करे, कभी कोई हमसे मिलने आवे तो हमारा मन करे कि बस दूर ही रहे हम, और पातन सो घबराही
कोई संसारिक चर्चा करे तो हमें बिल्कुल ना सुहावे। किसकी सरकार बन रही है, किसको वोट देना है, कौन चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चर्चाएं हमसे कोई ना करे, ऐसी स्थिति हमारी कर दो स्वामिनी। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, जग सब शून्य दिखा, जग सब शून्य दिखाई, ऐसो दुख दी जो ऐसो दुख दी जो ऐसो दुख दी जो ऐसो सुख दी जो में आ रही है बात। ये वृंदावन रस की चर्चा है। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य परिकर में एक शिष्य हुए भोरी सखी, उनका पद है। श्री भोरी सखी जी कहती हैं, ऐसा दुख जिसको मिल जाए, जो जो यहां गाया गया, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, दुख बिन प्यारी, जीवन जन्म प्रथा ही हो, ओ, जीवन जन्म प्रथा ही। भोरी सखी जी कहती हैं, जिसके जीवन में ये दुख आ गया, और या फिर जिसके जीवन में ये दुख नहीं आए, उसने अपना जन्म बेकार कर दिया। कैसा दुख? जिस दिन ठाकुर जी का दर्शन ना हो, उस दिन आपका मन बेचैन हो जाए, नेत्रों से आंसू निकलते रहे, ठाकुर जी की याद सताती रहे, संसार के व्यक्ति से मिलने का मन ना करे, एकांत में बैठने का जी करे, जहां बहुत भीड़ भाड़ हो, ऐसे स्थान को छोड़ एकांत में जाने का मन करे, ऐसा दुख जब तक जीवन में नहीं आएगा, समझ लेना ऐसे व्यक्ति ने जन्म अपना व्यर्थ गवा दिया। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी,